सो वेलकम बैक गाइस, आज हम एक ऐसी लड़की को देखने वाले हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है गाइस। एवरीवन, इट्स स्टेफनी, योर फेवरेट फार्ट सेलिंग मोगल। आई कैन डेफिनेटली से एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ विद कॉन्फिडेंस दैट आई एम द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल जार फार्ट सेलर नंबर 1। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? दीदी जी बोल रही हैं कि वो बहुत प्राउडली बोल सकती हैं कि वो सबसे बड़ी फार्ट जार सेलर है। फार्ट जार सेलर बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं दीदी जी का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि वो अपने फार्ट को एक जार में कैद करके ऑनलाइन डाल देती हैं और फिर जो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ये चीज लेने में वो उसको खरीद लेते हैं। Oh, so you hear that pop? That means it's fresh. क्या? भाई तो सब्जी मंडी में नहीं खड़ा है, डब्बा ऐसे करके उसकी फ्रेशनेस देख रहा है। बाबा टाइम बहुत खराब है, ये बंदा किसी और के फार्ट की फ्रेशनेस देख रहा है। I'm just gonna take. Okay, ready? I'm gonna take a nice long one. So here we go. Yeah. ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ये कौन से नशे हैं? पता नहीं। वो लड़की अपना फार्ट बेच रही है वो तो समझ भी आ रहा है कि चलो डम लड़की है जो कर रही है करने दो। ये लोग खरीद रहे हैं उसको। Hey guys, today I'm going to be showing you a day in the life of a girl who sells her farts in a jar. So I like to get things rolling with some beans, a protein. Protein shakes and full diet plan. बहुत ही हेल्दी फार्ट बेचती है मैडम। रणवीर जी की तरह। हेल्दी फार्ट। Some hard-boiled eggs, and today I decided I was going to make myself a protein shake with some yogurt added to it, and oh, I was feeling it for sure. इस लड़की ने इसको पूरा ऐसा जॉब की तरह ले लिया है कि सुबह उठ के ये खाऊंगी, ये पीऊंगी। I was feeling it for sure. अगर मैं ये खाऊंगी तो ऐसी फाट आएगी, अगर मैं वो खाऊंगी तो वैसी फाट आएगी। बहुत ही दिमाग लगाया दीदी ने अपने बिजनेस में। अब स्टेफनी का बिजनेस इतना बढ़ गया है कि लोग उनके बात के दीवाने हो गए हैं। यार ये दीदी जी बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। इन्होंने बताया कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई भी काम फ्री में नहीं करना चाहिए। ये तो लेटेस्ट। I know a lot of you are like, wow, didn't this girl become the number one world's most successful fart jar seller, fartrepreneur? गले में खींच के fartrepreneur. इसलिए बोलते हैं कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए। कुछ अलग और कुछ नए के चक्कर में दीदी अपना फार्ट बेच रही है यार, मतलब मुझे तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है वाली बात। It is possible, it is possible. I made $200,000 selling my fart. $200,000 मतलब 1 crore से भी ज्यादा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ये विजय माल्या वगैरह से बड़ा स्कैम तो ये लड़की कर रही है, वो भी बस एक रूम में बैठ बैठ के पाद मार मार के। Today I am working on a brand new recipe for farts. अपना पाद बेचकर हर हफ्ते 37 लाख रुपए कमाने वाली एक्ट्रेस और टिकटॉक स्टार स्टेफनी मेटो की जान बाल बाल बची है। अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज पोर्टल मेट्रो के मुताबिक स्टेफनी के सीने में तेज दर्द उठा था, जिसके बाद उनके दोस्तों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कई बड़े शोज में काम करने वाली स्टेफनी जार में भरकर अपना पाद बेचती हैं और इससे वो हर हफ्ते 37 लाख रुपए कमाती हैं। 37 लाख रुपए यार, अगर किसी को इतने पैसे मिल रहे हो सिर्फ पू करने के तो फिर तो हर कोई करेगा। और अगर इंडिया वालों को ये बात पता लगी ना तो ये बिजनेस आइडिया शार्क टैंक में चला जाएगा, वो भी अलग अलग फ्लेवर के साथ। अगर तुमने सुबह उठ के अचार खाया है तो तुम्हें ऐसी फाद आएगी, अगर तुमने सुबह उठ के चाय पी है तो तुम्हें ऐसी फाद आएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बेच रहे? स्टेफनी के पाद खरीदने वालों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए स्टेफनी हर हफ्ते इतना पाद इकट्ठा कर रही हैं कि वो करीब 50 जार भरकर बेच पाए। इन जार को लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं और एक जार के लिए स्टेफनी $1,000 यानी करीब $74,000 चार्ज करती है। यार इतना महंगा क्या ही लेंगे लोग, और महंगा तो छोड़ो लोग लेंगे क्यों ये सब चीजें। ये चीज को सूंघने से कौन से नशे मिलते हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही बात अभी तक। Because as you guys know, I am the number one fartrepreneur in the world. Oh. I am the Albert Einstein of farts. हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला. Understanding that the same person can come up with two brilliant life-changing ideas. Oh, life-changing ideas. Madam का एक idea था पाद बेचना और दूसरा idea था यहाँ का स्वेट, यहाँ का स्वेट। पाद बेच बेच के मैडम को फार्ट अटैक आ गया था, तो मैडम ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, उस बिजनेस को बंद कर दिया पर यहाँ का स्वेट बेचना शुरू कर दिया। चलो जी। Boom, sweat rat said, the sweet, 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 smell, sweet smell of your utter perfumes.
ये रिएक्शन है मेरा भी. Is what drives my senses wildness. I honestly have been unhappy in my marriage for a while, so I'm happy that this discreet pleasure of mine can stay between just the two of us. ये बंदा रिव्यू में लिख रहा है कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही थी और अब जब से मैंने तुम्हारा ये स्वेट लिया है ये मुझे दीवाना बना देता है. इतना डेस्परेट है लौंडा ये. तड़प ही ऐसी है ना. लड़की नहीं मिल रही तो उसके पसीने से काम चलाया जा रहा है यहाँ तो. घर में बीवी बैठी हुई लेकिन नहीं उसको छोड़ के दूसरी औरतों का पसीना पसीना ले रहा है भाई. पता नहीं क्या करता होगा उससे. अबे साले इस अनहाइजीनिक चीज को छूने के लिए ओ माय गॉड आई कांट इमेजिन कोई कैसे इसके अंदर पाद मार के बेच सकता है. खरीदने वाले लोग कैसे यार कोई किसकी पाद क्यों खरीदेगा. क्या लॉजिक है इस बात का. खुद अपने हाथ में उसी लड़की का पाद रखा हुआ है और बोलती है कि कोई क्या ही लेगा इसको. खरीदने वाले लोग कैसे यार कोई किसकी पाद क्यों खरीदेगा. पता नहीं क्या ही चल रहा है यहां तो. शर्म करो. तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई है देन डू हिट द लाइक बटन शेयर कर देना कमेंट कर देना. चलो पीस आउट. पास आ तू मुझको दे हाई फाई हर